हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन पर बारीकी से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका कि इफ एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस वन एम प्लस एन देन फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका कहाँ से, तो इफ से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवेन या फिर वी हैव से। तो जैसे वी हैव लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, ठीक है, तो एक्स टू दी पावर एन इंटू वाई टू दी पावर एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस एन। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में फंक्शन इनटू में यानी कि गुना में है और यहाँ पे पावर के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। क्या करेंगे तो लॉग लगा देंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एट द बेस ई, यानी कि ई बेस पर दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट होगा, तो लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन, इधर भी तो ई बेस यहां पे आपका छिपा हुआ है, उसको लिखे तो भी ठीक, ना लिखे तो भी ठीक। अब इधर देखिए तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस एन यहां पे ई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं जब लॉग का नंबर इनटू में रहे, तो लॉग क्या होता है, लॉग का नंबर जब इनटू में रहे गुना में रहे तो लॉग क्या होता है, तो बढ़ जाता है यानी एडिशन में चला जाता है। इस तरह से लॉग ऑफ ए इनटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एम प्लस लॉग ऑफ वाई टू दी पावर एन इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर देखिए एम प्लस एन आगे आ जाएगा, तो एम प्लस एन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, ये हो गया आपका। अब देखिए गौर से, तो लॉग का प्रॉपर्टीज यहाँ पे और आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और लॉग का प्रॉपर्टीज चलेगा, दिए पावर एम को आगे लिख देंगे, तो एम इंटू लॉग एम प्लस एन इंटू लॉग वाई हो जाएगा, एम प्लस एन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे दो लॉग जो था इसका पावर को क्या किए, आगे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एम आ गया, एम इंटू लॉग लॉग एक्स हो गया, सॉरी यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन आ गया, तो एन इंटू लॉग वाई हो गया इक्वल्स टू ये एम प्लस एन इंटू ये वाला ज्यो का त्यो उतार दिए, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब डायरेक्ट डीसी करेंगे दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स एम इंटू लॉग एक्स प्लस एन इंटू लॉग वाई, इधर हो जाएगा डी बाय डी एक्स एम प्लस एन इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ दो टर्म है, तो डी सी को क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे, बांटेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो जब बांटेंगे तो हम लोगों को मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ एम इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ एन इंटू लॉग वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एम प्लस एन कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एम प्लस एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, तो m इंटू डी बाय डी एक्स लॉग एक्स प्लस यहाँ पे n क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो n इंटू डी बाय डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे पहले ही हम लोग m प्लस एन को बाहर कर दिए हैं और इधर बच जाएगा आपका डी वाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे लॉग एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स प्लस एन इंटू लॉग वाई का पहले वाई के रिस्पेक्ट में वन बाय वाई, फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एम प्लस एन इंटू, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, एक्स प्लस वाई पर, तो इसलिए वन बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वाई में जो है क्या हो जाएगा, डी सी होगा, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स का हो जाएगा वन और वाई का डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गौर से देखिए तो एम बाय एक्स प्लस एन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एम प्लस एन इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, तो एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई लिख लिए और इससे इसमें हम लोग बांट रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या हो जाएगा इतना इंटू वन यही रहेगा प्लस इतना इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो हो जाएगा एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स यहाँ है और यहाँ पे है, ठीक है, तो दोनों जगह से उसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड लाएंगे। तो देखिए तो एन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब इधर क्या बच गया आपको, तो यहाँ बच गया एम प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई और यहाँ से जाएगा माइनस एम बाय एक्स हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव वाला पार्ट को लेफ्ट साइड कर लिए और विदाउट डेरिवेटिव वाला पार्ट को राइट साइड लेकर चल गए। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव वाला पार्ट को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एन बाय वाई माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स। तो इधर फिर क्या हो जाएगा, तो एम प्लस एन एक्स प्लस वाई माइनस एम बाय एक्स। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा एन माइनस एम माइनस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। इधर भी एलसीएम ले लेना होगा, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका y इंटू एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई से n में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन एक्स प्लस एन वाई, फिर यहाँ से y से, तो एम वाई माइनस एन वाई। ठीक है, ये हो गया इंटू में dy वाई बाय डी एक्स, फिर आप देख सकते हैं इधर, तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई हो जाएगा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए ये इससे कट गया, कैंसिल हो गया और ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एन वाई और एन वाई गायब हो गया, यहाँ पे देखिए एम एक्स गायब हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए ना, यहीं पे देखिए तो यहाँ पे बचा क्या, एन एक्स माइनस एम वाई, तो एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, तो एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, तो इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा देख सकते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स और ये जो भी चीज़ यहाँ पे गुना में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ वो इधर नीचे चल जाएगा और जो नीचे वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि न्यूमिरेटर में, तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो एन एक्स या सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे एन एक्स माइनस एम वाई गायब हो गया है ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट दोनों साइड का गायब हो गया, अब वाई जो है उधर जाएगा यानी बराबर का उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों को, तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया है ना, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स हो गया। ठीक है, तो जब फंक्शन आपका रहेगा x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे,
तो ऐसी स्थिति में इसका डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए पहले तो लॉग लगाएंगे दोनों साइड। लॉग लगाने के बाद जहां तक लॉग का प्रॉपर्टीज लग सकता है लगाएंगे, उसके बाद एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होगा कि कैलकुलेशन होगा, उसके बाद इन शॉर्ट जो है यहाँ पे लास्ट में देखिएगा एन वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। अब जब यहाँ से जो है क्या बच जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए एन एक्स माइनस एम वाई से दोनों साइड में है ना ऊपर में कैंसिल हो गया, तो हमको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई चल जाएगा ऊपर, यानी बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वाई नोमिनेटर में एक्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो वाई बाय एक्स हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।